भाजपा ने केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नामों का पैनल केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिया है। पैनल में पूर्व विधायक आशा नौटियाल, कुलदीप रावत, कर्नल अजय कोठियाल और पूर्व विधायक स्वर्गीय शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत समेत कुछ और नाम भी शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने बताया कि पैनल में 9 लोगों के नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन बूथ और पन्ना स्तर तक चुनाव लड़ने और रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के लिए पूरी तरह तैयार है। शीघ्र ही पैनल के नामों पर विचार कर केंद्रीय नेतृत्व पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार का नाम घोषित कर देगा। इसके बाद हम अपनी चुनाव रणनीति के अगले चरण को अंतिम रूप देने आरंभ कर देंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। लेकिन जिला ने जिन लोगों ने दावेदारी की थी उन सबके नाम कलम को भेजे और कल ही हमने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है चर्चा करने पर 6 नामों का पैनल हमने केंद्र को भेज दिया है। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ही प्रत्याशी विकल्प घोषित होंगे और जितने प्रत्याशी घोषित होगा उसके बाद नामांकन और आगामी प्रत्याशी से जुड़े हुए कार्यक्रम श्रृंखला हम तैयार करेंगे। अभी क्योंकि कल ही पैनल गया है, पार्टी भी अपने स्तर पर केंद्रीय स्तर पर जो भी सर्वे है जो भी चीज़ें वो अपने स्तर पर करेंगे और तो बहुत जल्दी पार्टी प्रत्याशी घोषणा करेंगे।